छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग को लेकर बेहद संजीदा हैं। वे सबसे पहले बस्तर संभाग में ही कानून व्यवस्था और जिला प्रशासन की कसावट लाने की तैयारी में हैं। भूपेश ने कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी बस्तर संभाग से ही करने का मन बनाया है। लिहाजा 30 मई को सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के सभी जिलों के एसपी और कलेक्टर से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 तारीख को बस्तर दौरे पर रवाना होंगे, जहां 2 दिनों तक वे अलग अलग बैठकों के साथ स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे अहम संभाग के सभी एसपी और कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर जिले के कलेक्टर और एसपी मौजूद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनने के बाद पहली कॉन्फ्रेंस से अब तक की स्थिति पर पूरी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बीते कॉन्फ्रेंस में दिए गए दिशा निर्देश पर क्रियान्वयन और उनका रिजल्ट, इन दोनों मसलों पर भी सीएम भूपेश अफसरों से जवाब तलब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बस्तर में कानून व्यवस्था बनाने को लेकर खासा जोर देंगे। इसके साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा पर भी चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम एजेंडा बस्तर संभाग से आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उनमें रियायत देने के ऐलान पर जाँच की वर्तमान स्थिति होगी। गौरतलब है कि भूपेश सरकार ने जेल में बंद आदिवासियों के खिलाफ तमाम मामलों पर एक कमेटी का गठन कर उनकी जांच पड़ताल शुरू की है, जिसमें बस्तर समेत तमाम नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासियों के मामले की समीक्षा की जा रही है। इसमें बस्तर आईजी भी बतौर सदस्य शामिल हैं, लिहाजा इस समीक्षा में प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी भूपेश अपडेट मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।